अगर आप हवा की ठंडक को सांस में लें तो ये आप में कैसे जाएगी? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से ये लगभग तुरंत पहुंचती है, पर हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के परे एक और सिस्टम है। एक बार अगर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की मधुरता और गहरी उतर जाए तो यहां आनंद पूर्वक बैठना एक आम बात हो जाती है। क्यों? ज्यादातर लोग अपने जीवन में to know a little bit of peace or joy in their life. Why most human beings are not able to establish this as their quality? थोड़ी सी शांति या आनंद को जानने के लिए भी संघर्ष करते हैं। ज्यादातर लोग इसको अपने गुण के रूप में क्यों नहीं ला पाते? मुझे पता है तमाम फिलॉसफी कही जा चुकी हैं, लेकिन आइए इसे तकनीकी रूप से देखें कि इतनी आसान चीज क्यों नहीं हो पा रही है। तो जीवन के सारे अनुभव हमारे अंदर वो कैसे आ रहे हैं? अगर आप हवा के ठंडेपन को सांस में लें तो वो आप तक कैसे पहुंचती है? आपको कैसे पता चलता है? अगर आप कोई ठंडी चीज छूते हैं, अगर आप कोई सुगंध पाते हैं, अगर आप कोई स्वादिष्ट चीज खाते या चखते हैं, या कोई सुंदर चीज देखते हैं, या कुछ अच्छी लगने वाली चीज सुनते हैं, तो मुख्य रूप से पहले वो आपके संबोधि बोध को छूती है। वहां से तुरंत ही न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या स्नायु तंत्र उसे आपके दिमाग में ले जाता है और एक सुखद अनुभव या अप्रिय अनुभव पैदा करता है। ये सुखद अनुभव या अप्रिय अनुभव पूरी तरह से बाहरी उत्तेजक के कारण नहीं होता। आंशिक रूप से हाँ, ये इस पर भी निर्भर करता है कि उस पल में आप कैसे हैं। अगर आप हताश परेशानी की हालत में हैं और कोई सुखद संगीत बजाता है, अरे हाँ या नहीं, कोई बहुत अच्छा संगीत बजा रहा है, ये आपको और ज्यादा गुस्सा दिलाता है, तो हमें समझना चाहिए इसके दो पहलू हैं। एक है उस उत्तेजक की प्रकृति, दूसरा है कि आप अभी कैसे हैं, यानी कि यह पूरी तरह से उत्तेजक के ऊपर नहीं है, कार्मिक तत्व की भूमिका भी है। तो जब हर चीज सहयोग करती है और सुखद अनुभव होता है, आप सूर्योदय को देखकर चिढ़ने के बजाय हे भगवान एक और दिन, आपको लगता है वाह बहुत सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है, अब वो अच्छा है। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल उत्तेजक, ये उत्तेजक जब ये इंद्रियों को छूता है, वहां से स्नायु तंत्र के जरिए या न्यूरोलॉजिकली वो लगभग तुरंत आगे जाता है और अपना काम करता है। लेकिन आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से आगे भी एक दूसरा सिस्टम है जो प्राणमय कोश है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जितना ही विस्तृत है, अगर उससे ज्यादा विस्तृत नहीं, लेकिन ये आगे बढ़ता है। मैं तो कहूंगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से 100 गुना धीमे या उससे भी ज्यादा धीमे। अगर आप सुखद अनुभव को कायम रखें तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के स्तर पर जो सुखद अनुभव हो रहा है, क्योंकि आप सूर्योदय देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आमतौर पर वाह या कुछ और, या कोई समथिंग, ज्यादातर लोग सुखद अनुभव को कायम नहीं रखते, वो यहां वहां कूदते फिरते हैं। अगर आप एक खास सुखद अवस्था को
सुखद न्यूरोलॉजिकल स्तर पर कायम रखते हैं, मैं इन दो चीजों को अंग्रेजी भाषा के शब्दावली में कमी के कारण अलग रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप जो मान लीजिए आपने सूर्योदय देखा और आपको एक पल के लिए शानदार महसूस हुआ, वो पल स्नायु तंत्र के स्तर पर सुखद या संवेदी स्तर पर सुखद है। उसको अपनी जीवन ऊर्जा का हिस्सा बनाने के लिए आपको उस अनुभव को कायम रखना होगा, आपको वहां पर टिके रह पाना होगा, आपको वहीं बने रहना होगा, क्योंकि वो कम से कम 100 गुना धीमा है। किसी सटीक माप की कमी के कारण मैं कह रहा हूं, तो अगर आप किसी भी अनुभव को कायम रख पाते हैं, आमतौर पर अगर आप उसे 24 मिनट तक थाम पाते हैं, कोई भी मधुर अनुभव ऑफ स्वीटनेस ऑफ एक्सपीरियंस इवन इफ इट्स टेस्ट, चाहे वो स्वाद ही हो, स्वाद, गंध, दृश्य या सुनने का हो, अगर आप खुद के साथ ऐसा करें तो स्नायु तंत्र वाली प्रसन्नता अगर वो प्राणिक सिस्टम में गहरे बैठ जाती है, तब यहां आनंदमय होकर बैठना एक सामान्य चीज बन जाती है। अगर आप संवेदी अनुभवों को बनाए रखें तो वो आपका गुण बन जाएगा। ये कोई चीज नहीं है कि आपको आनंद करना पड़ता है। परमानंद की प्रक्रियाएं कभी लिखी नहीं गईं। ये चीजें बस किसी एक खास जीव की उपस्थिति में होती हैं। योगियों के पास इसे करने के कई तरीके हैं। सिस्टम में कुछ खास नाड़ियां, अगर आप उन्हें सक्रिय कर दें तो आप परम आनंदित हो जाएंगे। अगर यह मानवता उफन कर बहने लगे तब दिव्यता आपको ढूंढते हुए आएगी।